वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। अपनी हाजिर जवाबी, वाक चातुर्य और वाकपटुता के लिए नवजोत सिंह सिद्धू जितने ज्यादा मशहूर है, कभी कभी इन्हीं कारणों से वो चर्चा में भी आ जाते हैं और इसके लिए कभी कभी समस्या भी उनके सामने खड़ी हो जाती है। हाल ही में ऐसा मौका तब आया जब उनके एक बयान की वजह से उन्हें लीगल नोटिस सू कर दिया गया डिफेमेशन यानी कि मानहानि के लिए। असल में नवजोत सिंह सिद्धू अपने दो कार्यकर्ताओं की तारीफ कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि ये जो कार्यकर्ता है ये किसी भी पुलिस वाले की पैंट गीली करवाने में सक्षम है। इसे लेकर चंडीगढ़ के डीएसपी ने तुरंत एक्शन लिया और उन्हें लीगल नोटिस सू कर दिया। असल में हमारे दैनिक जीवन में भी, हमारे रोजमर्रा के भी जीवन में, हम लोग काफी ज्यादा ऐसे जोश जोश में ये सारी चीजें बोल देते हैं जिसका हमें बाद में अंदाजा होता है कि वो गलती कर दी थी हमने। हालांकि ये बात साफ होनी चाहिए कि डिफेमेशन कभी भी आपके ऊपर सू किया जा सकता है, लेकिन आप बच भी सकते हैं अगर आप थोड़ी सी सावधानियों का पालन करें। तो अगर डिफेमेशन की बात करें तो डिफेमेशन असल में सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों के अंतर्गत आता है। सिविल केस ये तब माना जाता है जब ये एक नॉर्मल इंसल्ट टाइप हो, और जब हम क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं तो क्रिमिनल केस में ये थोड़ा सा एग्जैगरेटेड फॉर्म में आ जाता है जब सामने वाले को बड़े नुकसान की आशंका नजर आती है। सेक्शन 499 भारतीय दंड संहिता में ये इस बात का साफ जिक्र है कि आपके कुछ बोलने से, किसी इशारे से या किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे फोटो हो, चाहे कार्टून हो, इसके द्वारा आप किसी का भी डिफेमेशन कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज बोली है जो कि ट्रुथ है, कंप्लीटली सत्य है, उसमें कोई भी फैक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, फैक्ट का इशू नहीं है, और साथ ही साथ ये एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, मतलब आप किसी का किसी ने कुछ गलत किया है, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटी हो या किसी तरीके की सिविल प्रॉब्लम हो, अगर आपने उसे लार्जर फॉर्म्यू में ले आने की कोशिश की है और लार्जर पब्लिक ऑर्डर इससे, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इस सर्व करता है, तो आपके ऊपर डिफेमेशन चार्ज नहीं लगाया जाएगा। सेक्शन 500 आईपीसी का ये कहता है कि अगर आपका सिविल केस है, अगर वो सिविल लॉ के अंतर्गत आता है, तो उसमें जो आपको सजा मिलेगी वो मुआवजे के तौर पे मिलेगी। जिसका भी आपने डिफेमेशन किया है उसे आपको एक निश्चित हर्जाना देना होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर ये क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस के लिए आपको 2 साल तक की सजा, निश्चित जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसमें ये बात साफ है कि डिफेमेशन चार्ज होने के बाद उसे साबित करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हालांकि डिफेमेशन में एक चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि एक कॉमन इंसान को बेसलाइन माना जाता है। कभी कभी हो सकता है कुछ व्यक्ति कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो और वो एक नॉर्मल बेसलाइन के तौर पे ही आपने कोई बात कही है, तो अगर वो व्यक्ति ज्यादा सेंसिटिव है तो उसे केस में मैक्सिमम टाइम पे नहीं दिया जाता। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने वाक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किसी की मानहानि के लिए ना करें। खैर, कांग्रेस नेता सिद्धू जी फिलहाल तो इस प्रॉब्लम में फंस गए हैं। हालांकि उन्होंने इस बात की बाद में सफाई भी दी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस पावर में, इसे वो दिखाना चाह रहे थे, लेकिन अब पुलिस इनके ऊपर क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए और बने खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।